ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है कि अब भारत की चीन पर निर्भरता और भी कम हो जाएगी। चलिए बताते हैं आखिर यह खजाना है क्या। दरअसल भारत को टंगस्टन का बहुत बड़ा भंडार मिला है। टंगस्टन का यह भंडार झारखंड में मिला है। अभी जांच चल रही है कि टंगस्टन का भंडार कितना है। दोस्तों टंगस्टन एक दुर्लभ खनिज है। अभी तक भारत चीन से बड़ी मात्रा में टंगस्टन का आयात करता रहा है। चीन टंगस्टन का सबसे बड़ा निर्यातक है। चलिए टंगस्टन से जुड़े फैक्ट्स बताते हैं यह किस चीज़ में इस्तेमाल होता है जो यह इतना दुर्लभ माना जाता है। टंगस्टन की बाकी खनिजों के मुकाबले काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। चीन में कुल टंगस्टन का 80% पाया जाता है। टंगस्टन 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान सहन कर सकता है। इसी कारण टंगस्टन का उपयोग बड़ी मात्रा में फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट, रॉकेट, एटॉमिक पावर प्लांट, ड्रिलिंग और कटिंग टूल्स, फ्लोरेसेंट लाइटिंग, इलेक्ट्रोड आदि चीज़ें बनाने में होता है। टंगस्टन के पुर्जे बहुत ही कठोर, टिकाऊ और ना घिसने वाले होते हैं। इसी कारण इस्पात उद्योग में इसका उपयोग बहुत आयत में किया जाता है। दूसरी धातुओं में मिलने पर इसकी कठोरता और भी बढ़ जाती है। अब टंगस्टन के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।